खुद की अहमियत। हम क्या फर्क पड़ता है कि हमारा कोई रिलेटिव एक आईएएस ऑफिसर है, क्या फर्क पड़ता है कि किसी हम एक बड़े व्यक्ति को या बड़े ही सक्सेसफुल व्यक्ति को जानते हैं। हम खुद में क्या हैं, हमारी क्या अहमियत है अपने आप में, ये ज़्यादा मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को फ़ोन करते हैं और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो अपने किसी बड़े व्यक्ति को जो जानता है उसके बारे में बात करने लगता है कि मेरा दोस्त यहाँ पे काम कर रहा है, मेरे दोस्त की इससे जान पहचान है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंट है, आप अपने नज़रों में क्या है, ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन अपने आप से कितनी हो रही है, ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि हमारे रिलेटिव क्या है, हमारे दोस्त क्या है। हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट जो इंटरनल पीस है जब आप अकेले में बैठ करके अपने आप से बात कर रहे होंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फेक्शन पहुँचाएगा। दुनिया को दिखाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, खुश करने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं कि हमारा ये है, वो है, ये है। इंटरनल पीस ज़्यादा मायने रखता है। एक टाइम आता है जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, जैसे कि बाहर के कंट्री में बहुत सारे बिजनेसमैन एक टाइम पे बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में पीस के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और जगह जगह पे जाते हैं, किसी साधु संत के पास में मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जो ये बुक है, ये उसी के बेस पे है कि एक टाइम पे इनके पास में सब चीज़ होता है। ये द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो फरारी बेच देते हैं अपनी पीस के लिए। जब हम सोते हैं तो हमारे कितनी सेटिस्फेक्शन के साथ में सो रहे हैं, वो हमारी खुद की वैल्यू डिसाइड करती है। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपका रिलेटिव क्या है, आपके फ्रेंड क्या है, या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप खुद की या हम खुद की इम्पोर्टेंस खुद से ही नहीं देंगे, तो दूसरा कोई कैसे देगा इम्पोर्टेंस। इसलिए हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी चाहिए डेली बेसिस पे, हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज़्यादा पीस देंगे, वो ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं और उसकी चीज़ें आप चर्चा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। थैंक यू, दिस इज़ पीयूष साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।